वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दाल पालक। दाल पालक बनाने के लिए हमें 1 केजी पालक चाहिए, 1 कप चने की दाल सोक्ड, 2 टमाटर चॉप्ड और 2 बड़े प्याज अच्छे से चॉप्ड। और यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए हैं 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक टेस्ट के मुताबिक और हरी मिर्चें चंद। और यहाँ पर अब मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 2 बिग साइज़ अनियंस को ऐड करूँगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें प्याज़ों को इतना गोल्डन करना है, बस एक लाइट सा टच आ जाए गोल्डन में बस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल लाइट गोल्डन से हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे इन्हें इसके अंदर टमाटर को ऐड कर रही हूँ और इन्हें अच्छे से भून लूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद जो मैंने हरी मिर्चें काटी थी उन्हें ऐड कर लूँगी। और ये जो हमारे पास स्पाइसेस थे, जिसमें हमारे पास लाल मिर्ची का पाउडर था 1.5 चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया था और 1/2 चम्मच हल्दी का और नमक। ऐड करने के बाद इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और अब मैं इसके अंदर पालक को ऐड कर लूँगी। मेक श्योर आपकी पालक अच्छे से स्टेन हो। और अब मैं यहाँ पालक को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पालक अपना पानी खुद छोड़ेगा और ये उसी में गल जाती है। यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर किया था और यहाँ पे देखें पालक अच्छे से गल गई है। और अब मैं इसको मैश कर रही हूँ ताकि जो है ये बिल्कुल एक अच्छी सी क्रीमी सा मिक्सचर दे। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर चने की दाल ऐड कर रही हूँ जो कि 1 कप थी। और चने की दाल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ये वो रेसिपी है जो बहुत इजी और जल्दी से तैयार हो जाती हैं। और अब यहाँ पे देखें चने की दाल को मैं अच्छे से भून रही हूँ। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी का ऐड करूँगी और इसे 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर कुकर करूँगी। यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए थे और ये दाल अच्छे से बन गई है और ये गल भी गई है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से गल गई है। और ये है मेरी चने की दाल का फाइनल लुक। और इसके ऊपर 1 चम्मच मक्खन का रख दें और ये बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको रेसिपी में कुछ मिस हो गया है तो आप वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी रेसिपी को देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।